जहाँ मैं आया हूँ ना वो ये जगह है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, आज मैं जाने वाला हूँ वैगेटर बीच और आपका चपोरा फोर्ट, जहाँ दिल चाहता है कि शूटिंग हुई थी। और थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, एक बच चुका है, जस्ट मैं अभी उठाऊँ। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बियर्ड सेट करा लूँ, बिकॉज थोड़ा ज़्यादा लग रही है। और उसके बाद हम चलेंगे चपोरा फोर्ट एंड वैगेटर बीच। सबसे पहले चलते हैं बार्बर शॉप और थोड़ा कराते हैं ट्रिमिंग। ट्रिमिंग से मतलब है कि बियर्ड थोड़ा ज़्यादा लग रही है। उसके बाद है ना देखेंगे कहाँ, मैं सोच रहा हूँ एक शर्ट और लेके आता हूँ, बिकॉज कुछ पहनते हैं नया सा। और फिर निकलते हैं आज चपोरा फोर्ट के लिए, जल्दी ही मिलते हैं। मैं भी निकल चुका हूँ सैलून के लिए। पहले मैं जाऊँगा सैलून, फिर मैं थोड़ा शॉपिंग करूँगा। शॉपिंग से मतलब एक शर्ट लेके आनी है बस। निकल चुका हूँ, मैं सोच रहा हूँ पहले शॉपिंग कर लेता हूँ, फिर बियर्ड सेट करा के रूम पे आ जाऊँगा, कुछ ऑर्डर कर लेंगे, फिर खा के निकल जाएंगे आराम से। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ उसी शॉप पर वापस से। यहीं से मैंने वो ब्लैक शर्ट ली थी। कलेक्शन काफ़ी अच्छा है इधर, मस्त मस्त चीज़ें हैं। दो कुर्ते ले लिए भाई से। और अगर कभी भी आओ, अपना एड्रेस बोल दो एक बार। कैंडलम बीच पॉपिन। और ये दो भाई हैं अपने, अच्छा लगा इनसे मिलके। तो अगर कभी भी आ रहे हो, मतलब सब कुछ है जितना आपको चाहिए ना, कुछ भी पहनने के लिए और अच्छे रेट पर भी, ऐसा नहीं है, तो आ सकते हो। गाइस, काफ़ी देर से चल रहा हूँ, अब तक तो कोई बार शॉप मिली नहीं, पता नहीं किधर है। देख कर भी चल रहा हूँ, कोई दिख ही नहीं रहा अभी फिलहाल तो। रोड जा रहा हूँ, हालांकि वो अलग बात है। गाइस, आ चुका हूँ मैं सैलून और अभी चलते हैं। शॉपिंग हो गई, जो मुझे लेना था वो ले चुका मैं, और अभी बियर्ड भी सेट हो गई। तो अभी चलता हूँ मैं रूम पर वापस और फिर निकलने की सोचते हैं 3 बजे के आसपास। An hour later. तो गाइस, अभी बज चुके हैं 3 और मैंने मंगाया है खाना, तो ये खाता हूँ उसके बाद निकलता हूँ घूमने के लिए। सो हेलो, वेलकम बैक गाइस। अभी 4 बज चुके हैं और मैं निकलता हूँ अभी वैगेटर बीच के लिए, उसके बाद दिखाऊँगा आपको चपोरा फोर्ट। तो आज ये दो गाइस, अभी मैं निकल चुका हूँ बीच के लिए, वैगेटर बीच। और वो रहा मेरा स्कूटर। सो गाइस, लास्ट नाइट ना मैंने इधर करीब में खाना खाया था, सामने दिख रहा है ना करीब, इसमें बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है, सच में बोल रहा हूँ। गोवा का भी ऐसा खाना। तो वेलकम बैक गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ वैगेटर बीच और सामने मेरे बीच है। तो ऑलमोस्ट 45 मिनट मेरे को लगे, इधर से चलते हैं वैगेटर बीच। और पब्लिक इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन है तो थोड़ी बहुत। लास्ट ईयर मेरे कुछ फ़ोटोज़ यहाँ के हैं, सनसेट का एक, और ये आपका चपोरा फोर्ट जो ऊपर है आप देख सकते हैं, मैं जूम करता हूँ थोड़ा। यहाँ पर बनी थी कौन सी मूवी, दिल चाहता है। थोड़ी देर में जाने वाला हूँ वहाँ पर भी, टेंशन नहीं ले। तो मुझे आज मेरी गोवा गैंग की याद आ गई, सच बताऊँ तो। लास्ट ईयर हम 3 थे और इस साल मैं अकेला। तो वो दिल चाहता मूवी का है ना, कि पता नहीं कौन कहाँ जाए कैसा जाए। तो लास्ट ईयर मतलब हम 3 लोग आए थे, सल्लू भाई, शिवम। तो गाइज, मैं निकल चुका हूँ अभी चपोरा फोर्ट के लिए, मुझे वहाँ जाना है ऊपर। A few moments later, मैं आ गया हूँ चपोरा फोर्ट और अभी पार्किंग में लगाता हूँ स्कूटी और चलता हूँ आपको लेकर ऊपर। बहुत ज़्यादा चलने वाला हूँ आज, रुको जरा, सबर करो। गाइस, बैड न्यूज़ ये है कि फोर्ट हो चुका है बंद 5 बजे, जबकि पहले पिछले साल ऐसा कुछ था नहीं। सच में चपोरा फोर्ट के लिए इतना खुश था, इससे अच्छा तो मैं वैगेटर ना जाता। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि फोर्ट बंद हो चुका है और अब क्या कर सकते हैं। बहुत गंदा लग रहा है, सच में बोल रहा हूँ, जाते हुए बहुत गंदा लग रहा है मुझे, दुख दर्द पीड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, जो है उसमें खुश रहना सीखो, मजे लो। जहाँ मैं आया हूँ ना वो ये जगह है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, बिकॉज अभी तक तो मैंने YouTube पे देखा नहीं, किसी ने भी इसको कवर नहीं किया। तो मैं आ चुका हूँ उसको कवर करने के लिए और मैं चल दिया हूँ नीचे बीच की तरफ।
इसका इधर से रास्ता है नीचे जाने के लिए, काफ़ी चलना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ नीचे और दिखाता हूँ, अगर दिख गया ना, सच में बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करवा के मानूंगा। तो गाइस काफ़ी चलने के बाद मैं नीचे आ गया हूँ बीच साइड, और जो मैंने देखा है फ़ोटो में, अगर वो दिख जाए तो मज़ा आ जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैं ऊपर था और मैं ऐसे ऐसे घूम के नीचे आ गया हूँ, और यहाँ पे चल रहा है गेम मस्त, और सन अभी तो सेट नहीं हो रहा। ये जो जगह का नाम है सेवा प्लेस के नाम से जाना जाता है, तो वही मैं देख रहा हूँ। तो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ जहाँ मुझे आना था, ये सेवा प्लेस है। गाइस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर कर दें। मैं ऊपर से थोड़ा खड़े होकर दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये बीच है। तो मुझे कुछ, चलो अगर मैं चपोरा फोर्ट नहीं जा पाया, लेकिन एटलीस्ट आपको ये तो दिखा दिया मैंने। तो अभी मैं चलता हूँ वापस, सनसेट में अभी टाइम है, तो मैं अपने वहाँ का सनसेट दिखाऊँगा। तो गाइस ये भी मतलब बीच अच्छा लगा मुझे, ऐसा नहीं है, तो मतलब अगर आना चाहें तो आप आ सकते हैं। सेवा प्लेस के नाम से ये फेमस है इधर। और मैं चलता हूँ, अभी निकलता हूँ यहाँ से। तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करें। ये थोड़ा भयानक सा है इधर, उधर बीच है और ये सब। मैं चल दिया हूँ वापस अपने स्कूटर की तरफ, और मेरे को 20 मिनट में 25 मिनट में वापस अपने उधर ही बीच पर पहुँचना है। तो गाइज मैं आ चुका हूँ ऊपर, काफ़ी बहुत चढ़ना पड़ा, और अभी मैं पानी पीता हूँ, निकलता हूँ यहाँ से। आ चुका हूँ अभी वापस रूम, और जल्दी से हल्का सा है ना फेस वॉश मारूँगा और सीधा चलूँगा फिर आपको लेकर बीच पर। तो गाइज़ बिना नहाए बात बनी नहीं, मैंने सोचा 2 मिनट मुँह धोने में लगेगी, 5 मिनट नहा के कपड़े पहनने में। तो गाइज़ ऑलमोस्ट मैं पहुँच गया हूँ बीच की तरफ, और अरे भाई 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 भाई, सनसेट का भी थोड़ा सा व्यू तो दिखा सकता हूँ, दिख गया मुझे। तो सही टाइम पर पहुँच गया, क्योंकि गोवा आए और सनसेट ना देखे भाई, डेली देखना है। और मैं आ चुका हूँ बीच साइड, काफ़ी प्यारा सा, मतलब यहाँ का तो है ना डेली, मुझे सनसेट है ना यहीं का चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा था वहाँ से मैं जल्दी जल्दी आया। और आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत है। गाइस कैसा लगा ब्रो, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अच्छा लगा होगा, और सनसेट व्यू कैसा था ये भी जरूर बताएं। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। रुको जरा, सबर करो। तो गाइस वक्त हो चुका है अभी 10:15, और मैंने ऑलमोस्ट गोवा की सभी जगहें कवर कर चुका हूँ मैं, जो भी मोस्ट फेमस प्लेसेस थे। तो अभी मैं जा रहा हूँ सिंक्वेरियम बीच, और ये अभी मेरा फ्लाइट है 1 घंटे बाद, और मुझे, मैं सोचा कि ये बचा है तो इसको भी कवर कर लेते हैं जस्ट। और गले की बच चुकी है बैंड, आज तबीयत ख़राब है और मेरा फ्लाइट है, तो आज मैं निकल जाऊँगा। और कुछ भूल रहे हो? ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है, करना है। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?